दिखा छोड़े खोल छोड़े बिस्मिल्ला पार के खोले मदरी अंदरू गंजी कुटी पई है मरी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे आप सब? उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, बाल रहें और मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। हमारी दुआएं हमेशा आप सबके साथ हैं। जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक शिफा दे, जो लोग परेशान हैं अल्लाह पाक उन्हें परेशानी दूर फरमाए, जो लोग रोजी की तंगी में अल्लाह पाक उन्हें वसी रज कता फरमाए। इसी दुआ के साथ कभी लोग करते हैं स्टार रहना है हमारे साथ। छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कॉमेंट करें। मौसम जो है बहुत ख़राब था, रात को तेज़ आंधी और थोड़ी थोड़ी सी बारिश हुई है। ये देखें, बारिश खैर ज़्यादा नहीं हुई है, अल्लाह पाक का करम हुआ, लेकिन तेज़ आंधी चली हुई थी। अभी भी बादल बने हुए हैं, हवा रुक गई है, तो अल्लाह खैर करे बारिश ना आए तो अच्छी बात है, क्योंकि फसलें अभी कटी हुई हैं तो उनका नुकसान बहुत होगा। और इधर बैठी है बीबी बलऊ। बीबी आप बलऊ हो? हाँ चलो बलऊ बड़ो बलऊ क्यों करें दे ये करें दे ये करें दे बलऊ ये क्या है ये क्या है ये क्या है और शेबू भी बैठा है। शेबू क्या है? बाल। अच्छा बलों की करें दे बाल ए भट्टी है। बलों की करें दे वाह करें दे। अच्छा अच्छा ये देखें जी अब्बू जी यहाँ पर ये फिरकी चला रहा है और चल नहीं रही है। ये पता है क्या इसकी ना दो साइडें होती हैं। ये देखें किधर होती है, लगी होती है तो फिर ये मुकम्मल हो जाता है, ये फिर चलता है, इसीलिए नहीं चल रहा। दूसरी साइड इसकी नहीं है ना। मैं बच्चों को तो दिखा रहा हूँ, खिला रहा हूँ, आपसे तो चल नहीं रही है। ये वैसे भी नहीं चल रही, मैंने सुबह कोशिश की चलाने की, नहीं चली। दूसरी साइड नहीं है, फिर वजन इसका बराबर नहीं हो रहा। चल गई है, चल गई है, वाह वाह चला लिया, चल गई हो और रुक गई थोड़ी सी चली। और देखें जी सिद्रा पता नहीं यहाँ पर फिर क्या कर रही है, बर्तन रख रही है फिर से रख रही है। अच्छा ये फूल सही हो गया? हाँ जी सही हो गया। ये वाला सोना है या वो वाला सोना है? दोनों सोना। अच्छा क्या हाँ ये शहर जाओ सारी चीजें सोनी लगती हैं, फिर बंदा भूल जाता है मैं क्या लेने आया था। है ना ठीक ठीक जी। हाँ जी वो चार के निकाले के वो माय बीबी इस ये खाली ले गई। अच्छा अच्छा रख दो इधर इधर रख दो हम ते रख दो। आज फिर से बर्तन सजा रही है अलमारी में। देखो सीता जी कल वो आधे रखे थे ना, इसलिए आज मुकम्मल कर रही है। सही है, फिर बर्तन रख रहे हैं, आपने नहीं देखा था? नहीं। आज देख लो, वो देखो वो सफील वाले सारे रख दिए हैं, अभी ये अलमारी वाले रखेंगे। ये जो सामने रखे हैं ये कैसे लेने थे? हाँ। ये सोने हैं? अच्छा मरियम बोलती है वो वाले सोने हैं, वो गंदे हैं। वो गंदे हैं तो चलो फिर बहन भाइयों से सलाम दुआ नहीं करोगी आज? करूंगी। के नाराजगी है? नहीं।
अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, अच्छा है, मुस्कुरा करे फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, मेरे घर में छोटे बड़े सब ठीक हैं। और अभी जो है मैं ये बर्तन रख रही हूँ। माशाल्लाह बहुत सोने सोने लग रहे हैं ये। वो बड़ी संदूक वो इधर रखेंगी या नहीं? रखूंगी आज। माशाल्लाह ये ना, ये जो जंगले है ना, यहाँ पर जब अंधेरी क्या हो गया? कुछ नहीं, वो एक ऐसी वाली टूट गई। ये टूट गई है, नीचे गिर रही थी या वैसे हाथ में पकड़ी टूट गई? नहीं, नीचे गिर रही थी तो दूसरे हाथ से पकड़ी, फिर उसके उस हाथ में और भी थी तो ऐसे पकड़ी। ये एक और नुकसान हो गया। चलो खैर, हाथ पर चोट तो नहीं लगी? थोड़ी सी लगी। ओए होए, ये थोड़ी सी लग गई है, ख्याल किया करो ना। ये लाइन मुकम्मल हो गई है माशाल्लाह। ये इसके धागे क्यों निकल रहे हैं ये वाले? ये इधर से सिलाई नहीं की है ये वाले, इसलिए निकल रहे हैं। ये सिलाई करते पड़ते हैं? हाँ जी, वो ना मशीन तो है नहीं, तो एक दिन हम साइया से नहीं के आई थी तो कुछ किए थे, फिर दूसरे हाँ दिन गई तो उन्होंने दी भी नहीं। फिर मैं वैसे ही आ गई। हमसाए भी ऐसे हैं, बोलते हैं अपनी ले लो ऐसे ना। अब बंदे के पास फुर्सत नहीं है तो मरे क्या करे। ये वाले अभी आगे निकल निकल के सारे खराब हो जाएंगे। अच्छा, ये वाले जो फूल हैं, ये और वो उसका डिजाइन अलग अलग है क्या? एक जैसा है वो, ऐसे बड़े वाला खाना तो ये जो बीच में से होता है वही है। अच्छा, कटाई करके? हाँ जी। और ये वाला जो है ये फायदों का। सही है, मतलब ये बोलते हैं ये जो बीच में से कपड़ा निकालते हैं वो इधर अलमारियों में लगाते हैं या बक्सों के ऊपर? हाँ जी, वो ऐसे होता है, फिर जैसे कटाई करो वैसे हो जाता है। मैंने ऐसे किया था तो ऐसे लंबा निकाला सफीर का, फिर पेटी का निकाला तो ये बीच में से निकला इसका। सही है, वैसे तो ये ऐसे जाया हो जाता है। ये वाले फूल कहाँ से लिए थे? ये वाले फूल वो रक्षे वाला आया था, उससे अपने लिए थे। माशाल्लाह। और ये कोप तो मैंने लिए थे, मैं दिखाया था ना बहन भाई को। ओ उस दिन ना सूखी रोटियां बेच कर ये कोप लिए थे। पैसे तो थे नहीं तो इसलिए वो सूखी रोटियां भी लेते हैं और जूतियां भी जो मर्जी। वो लैलून की जूतियां पहनते हैं ना हमारे यहाँ, तो वो जब टूट जाती हैं उनको बेच के, फिर वो सूखी रोटियां बेच के फिर जो है हम प्याले और ये कोप लेते हैं। ये वाला फूल रख दिया है, ऊपर वाला भी रख दिया है। ये नीचे नहीं रखूंगी ना, ऐसे बच्चे उठा लेते। अच्छा, मैं तो कह रहा था ये दोनों ऊपर रख दो। दोनों? हाँ, क्योंकि इधर तो नजर ही नहीं आ रहा कि फूल रखा है या खाली गमला रखा है। नहीं, ये छोटा है। फिर भी सही है। हाँ सही है, ऐसे ही ठीक है। देखे माशाल्लाह। और ये वाला इल्फी मुझे याद भूल गई, लेके नहीं आया, इनको बनाना था ना। ये बन जाएंगे? हाँ जी, बनाएंगे तो बन जाएंगे। ये जी टूट गए हैं, हैप्पी मैरिज लिखा हुआ है। इस पर ये वाला
हैप्पी मैरिज का बोर्ड लगा हुआ है। ये आप देखें जी, चाय वाले कोप, आपकी लाश भी रखती है। ये वाली जो कटोरियां होती हैं, ये कस्टर्ड वाली कटोरियां बोलते हैं। हाँ जी, इसको ये पूरा सेट होता है, एक बड़ा सा होता है कटोरा और छह छोटी कटोरी होती है। ओ, मेरे ख्याल से बड़ा सा अपना टूट गया है। हाँ जी, दो दो सेट थे, दोनों के बड़े टूट गए कटोरे। बाकी ये कटोरियां रह गई है। ये जब ली थी ना, तो उस वो जो माई बेचने आई थी, तो उन्होंने कहा था कि हमारी तो ऐसी झोपड़ियां होती है ना, तो बीच में से बच्चों ने उठा लिया, तो ऐसी अकेली कटोरिया थी। तो ये जो था, ये इसका था बड़ा वाला, वो टूट गया। अच्छा, ये अलग डिजाइन है और ये अलग डिजाइन है। हाँ जी। अभी और लेंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्द इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब पर, अल्लाह पाक जो है सिला देगा इंशाल्लाह, सब चीजें लेंगे अपनी। ये इसका कपड़ा छोटा नहीं है इधर से। हाँ जी, ये कुछ छोटा, वो पूरा था इधर से धागे निकल गए ना, इसलिए वो छोटा। ये सिलाई की वजह से ऐसे हो गया है। चलो, फिर ये वाला जो बनाऊं, ये कहाँ रखोगी? ये वाले रख दूंगी, इनके आगे रख देंगी। हाँ, आगे रख दूंगी या पीछे रख दूंगी। सही है, आगे गिरा देंगे ना। ये ना, ये अगर तीन होते ना, फिर डिजाइन अच्छा बन जाता है। एक वो रखा है ना छोटा, एक बीच में बड़ा रखा है, फिर एक इधर छोटा रखा होता तो फिर कैसा माहौल बन जाता ना। हाँ जी, ये बहुत सारे थे, पांच छह थे, तो बच्चों ने ऐसे फाड़ दिए कुछ। हाँ, ये जो है ना, वो हमारे यहाँ फकीर लोग आते हैं बेचने वाले, वो दाने वगैरह लेते हैं, आटा वगैरह, फिर ये देते हैं। ये जो है ना, कागज से बने हुए हैं। हाँ जी, इस बीच में इसके लकड़ी है और कागज से फूल बनाए है ना। हाँ जी, ये जो बड़े वाला, ये 20 का देते हैं और ये 10 का देते हैं। हाँ जी, ये सस्ते दौर वाले हैं, ये 20 का और ये 10 का। और जो वो लेके आया था मैं, ये वाले, ये 450 की दो दिए है ना। हाँ जी, बहुत महंगे सेट देते हैं, बहुत महंगे देते हैं। ये वाली सेटिंग जो है जी, हमने चेंज करने की सोची है। ये देखें, ये फ्रंट है सामने ये रूम का, और हम जो है सोच रहे हैं कि वो इस तरफ अलमारी है, और ये वाली जो बक्सा है ना, बड़ा संदूक, बड़ी पेटी, इसको यहाँ पर रखते हैं, इसे अलमारी भी यहाँ पर। तो ये सामने जो है काफ़ी जगह बच जाएगी, क्योंकि यो जो ढक्कन है ना इसका बड़ा है, जब यो खोलते हैं कोई चीज़ उठाने के लिए तो वो ऊपर फंस जाता है, खुलता नहीं है, है ना सिद्रा? हाँ जी। तो हम सोच रहे हैं इसको जो है ना इस तरफ शिफ्ट कर दें। अभी वैसे भी गर्मियां हैं, तो ज़्यादा यहाँ पर सोते भी नहीं है, बैठते भी नहीं है बाहर या फिर दूसरे कमरे में। तो हमने सोचा इसको जो है ना सफाई अच्छे से करके ना यहाँ पर, ये इस जगह पर शिफ्ट कर दें। इस तरफ ये आ गई छानी, क्या बोलते हैं इसे, छाणी बोलते हैं, छाणी, वो जिसमें रोटी वगैरह रखते हैं। सही है। ये देखें जी, ये बर्तन जो है मुकम्मल हो चुके हैं, और यहाँ पर अभी जो है ना हमारे बच्चों की दवाइयाँ स्टोर हो रही हैं। छोटे छोटे बच्चे हों तो फिर ऐसा होता है ना, घर को फिर मेडिकल स्टोर बनाना पड़ता है। अभी तो खैर मौसम कुछ ठीक हो गया है, जब मौसम चेंज होते हैं ना, सर्दियाँ गर्मियाँ, फिर बीमार होते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा ना। हाँ जी, वो ना सर्दियों में बीमार हो जाते हैं ज़्यादा। हाँ, और ये वाला जो है ना, ये तेल है खालिस, कल ही मैं बनवा के आया हूँ, अपनी सरसों पड़ी थी ये वाला, और ये बच्चों की, वो दूसरा बकरियों की दवाई है।
हाँ जी सिद्रा, हाँ जी हो गई सेटिंग? हाँ जी हो गई, अब पेटी की सेटिंग बना रही हूँ। पेटी की सेटिंग करनी है? हाँ जी। थोड़ा इधर होना। वाह जी वाह, बालों भी लाइन में सजा देते हैं। हाँ जी वैसे पड़े हुए थे तो मैंने ऐसे रख दिए। माशाल्लाह जी, ये देखे भालू भी रख छोड़े हैं, ऊपर से सारा सामान भी। ओके हो गया। अब ये हाँ अलमारी ठीक है। हाँ जी। अब ये बड़ी पेटी उठा के ना इस जगह पर रखनी है ऐसे। हाँ जी, ये अंधेरिया वगैरह आती है ना तो ये गलियाँ खुली होती है, फिर बहुत सारी मिट्टी आती है, ये बंद हो जाएगी तो फिर इतनी मिट्टी भी नहीं आएगी। चलो सही है, उठाए फिर। यकी खाली करनी पड़ेगी। चलो इधर सामान निकाल निकाल के चारपाई पर रख लेंगे, फिर डाल लेंगे। करनी तो है ना, एक दिन कर लेंगे फिर। आज ही क्या सामान नहीं है, बस बिस्तर पड़े हुए, बस थोड़ा सा उठा लेंगे जितना हम उठा सकेंगे वजन, फिर रख देंगे। ठीक है सारा उठा के साफ करेंगे ना, सारे बीच में भी मिट्टी है। चलो सही है। हाँ जी बेगम साहिबा उबासियां दे रही है, निधर आई हुई है। शेबू चुप करो, चुप करो, वीडियो बनाऊं। ये देखें जी, सिद्रा ने सारा बंडल शंडल निकाल के रख दिया है और पूरा बक्सा खाली कर दिया है। ये देखें सारा बक्सा खाली कर दिया है, ओ दरवाजा बंद कर दिया शेबू ने। और अम्मी जान भी आ चुकी है। अम्मी जान आप किधर गई थी? सो रही थी सुबह से, मैंने कहा पता नहीं कहाँ गई है। क्या नहीं, रात बारिश हमें नहीं सोने दिया। अच्छा चलो, ये देखें ये अब दरवाजा खुल गया है। हाँ। अब ये बक्सा उठा के इधर रखना है। हाँ जी। उठा लें। उठा लें। चलो सही है। ये देखें जी, बक्सा पेटी जो है वो वहाँ से उठाकर यहाँ पर शिफ्ट कर दी है हमने। ये मसला था, अभी देखें ढक्कन खुद ब खुद खड़ा है। वहाँ पर जो है वो सफील में अड़ जाता था तो फिर खुलता नहीं था। अभी इसमें खाली है, फिर इसमें सिद्रा सामान शिफ्ट करेगी। जल्दी जल्दी से सामान शिफ्ट कर छोड़ें। इसको क्या बोलते हैं? इसको हमारे सराय में तो सवड़ बोलते हैं। सवड़ ये है जी, सवड़ जो सर्दियों में पहनते हैं। जी बेगम साहिबा, हाँ जी सामान रख छोड़े है यक्का? हाँ जी रख दिया। माशाल्लाह जी, ये देखें सेटिंग करके सारा जो है ना रख दिया है, वो सारे एक साइड पे बिस्तर और बाकी ये सामान हो गया। ओके ठीक गया। अब इसको बंद करें फिर और सेटिंग। हाँ जी बेगम साहिबा और अम्मी जान, हाँ जी कमरा तैयार हो गया है। हाँ जी हो गया माशाल्लाह। फिर वेट किस बात की, दिखा छोड़ें खोल छोड़ें। बिस्मिल्लाह पढ़ के खोले मदरी, अंदरू गंजी कुटी पई है मरी। चलो चलें, उसको छोड़ें आप चलें। माशाल्लाह जी, कमरा हमारा जो है आज मुकम्मल हो गया है। हमने सेटिंग जो है वो चेंज कर दिया। अभी देखें वो वाला जो है चारपाई पीछे कर दी, एक इस तरफ डाल दी और ऊपर जो है बर्तन भी सारे रख दिए हैं, है ना। इस तरफ आ जाएं बेगम साहिबा, और यहाँ पर देखें वो वाला सामान भी सारा रख दिया है। मुकम्मल सेटिंग हो चुकी है, बस चारपाइयों पर जो है अभी कपड़े वगैरह नहीं डाले हैं, क्योंकि अभी चार पाइयाँ यही हैं जिसपे हम जो इस्तेमाल करते हैं, दूसरी हैं कोई तो है नहीं जो सजा के रखे। तीन तीन तो हम इस एक पर सोते हैं। ये और अवेश चावल खा रहा है, रात बीवी का ख़त्म था, चावल बनाए थे और कल हमारी वीडियो नहीं आई, उसके लिए माजरात। किसी मजबूरी की वजह से जो है वीडियो नहीं बना सके थे, है ना बेगम साहिबा। तो इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे। थक गई हैं आप? हाँ जी। तो अब जी मैं मुकम्मल लुक चेक कराता हूँ आपको। यहाँ से देखें ये सफील हो गई है,
और ये अलमारी वाले बर्तन भी रख दिए हैं, और वो जो है तेल वगैरह और कुछ सामान है। और जो मेन चीज़ आज चेंज की है वो इस तरफ है, बेगम साहिबा के पीछे। मेन चीज़ जो चेंज की है वो ये है, ये वहाँ से जो है संदूक उठा कर यहाँ पर रख दी है। ये देखें कपड़े वगैरह भी ऊपर डाल दिए हैं। ये एक बक्सा था बड़ा, भी कर दिया है चेंज। और ये हो गया मुकम्मल विज़िट हमारे रूम का। तो बहन भाइयों ने बताना है हमारा रूम मुकम्मल अब किस तरह लग रहा है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पाकिस्तान जिंदाबाद। अवेश भी जिंदाबाद कर रहा है।